ये मिल जाता है आराम से, आसानी से नहीं मिल पाता सर, पर अगर आप इन
इंडिया में भी क्वालिटी बीट की मिलती पाती है, इससे स्पेशल क्वालिटी बनाई है। हाँ जी, सबको जितने भी आए सबसे पहले नमस्कार, हेलो। हम दोनों, मेरा नाम श्रिवे, इसका नाम ऋषभ। हम इटली से कोर्स करके आए हैं, नेपोलिटन पिज्ज़ा सीख कर आए हैं, जो आपके सामने हम आपके ट्राई सिटी में लाना चाहते हैं। प्लीज़ आएँ, ट्राई करें। हमारे पिज्ज़ा का सर स्पेशलिटी ये है, जो भी खाएगा पिज्ज़ा खाने में ब्लोटिंग नहीं होगी। ये ब्लोटिंग क्योंकि इसमें ईस्ट डलता है, फर्मेंटेशन का लेवल होता है, जो हमने अच्छा रखा हुआ है, जिससे ब्लोटिंग नहीं हो पाती। और ये हम अपने हाथ से पूरा बनाते हैं, डो से लेके हैंड टॉस करके पूरा हमारे हाथ में रहता है ये। सर, ये हमारे इटालियन ट्रेडिशंस में यही चलते हैं हमारे पिज़्ज़ा जो हैं। एंड जो हमारे पिज़्ज़ा जैसे हम बेलने से करके करते हैं, वो हमारे ट्रेडिशनल पिज़्ज़ा इटली में नहीं होते हैं। उसमें हैंड टॉस होता है एंड इसमें बहुत ही हमारा लॉन्ग फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में कभी ब्लोटिंग हो ही नहीं सकती। अच्छा, एक बात बताइए, इसकी कॉस्टिंग कैसी है? सर, कॉस्टिंग हमारी इसकी मीडियम है, हम ये नहीं कह सकते। दिस इज अ स्मॉल साइज सर, स्मॉल एंड मीडियम, दिस इज नथिंग फॉर लार्ज। सर, प्राइस हम इसका, दिस वन इज फॉर 250 एंड द अदर वन, द लार्ज मीडियम वन इज फॉर 400 सेलिंग प्राइस। आजकल जो पिज़्ज़ास हैं वो सारी टॉपिंग्स के साथ होते हैं, तो इससे कंपीट कर पाओगे? सर, हमारी भी टॉपिंग्स हैं, ऐसा नहीं है, हमारी भी पिज़्ज़ा में सारी टॉपिंग्स चलती हैं। एंड दिस इज़ अ वेज, टोटली वेज, नॉन एल्कोहलिक। एंड हम जो वेजीज भी यूज़ कर रहे हैं, दे आर नॉट लाइक अनियन टमाटोज जो सिंपल पिज़्ज़ाज में चलते हैं। हमारी वेजीज भी इतनी हाईली प्रोटीन है कि आप जब वो खाएंगे तो आपकी वेजीज अपने में ही एक डाइट है। बिकॉज आप ये कहते हैं कि पिज़्ज़ाज हमारी डाइट कंप्लीट नहीं करती है, जिसको हम इसको रॉन्ग प्रूफ करते हैं कि पिज़्ज़ा पूरी एक डाइट कंप्लीट करती है। जैसे कि हमारा इंडियन फूड है, उसमें हाईली प्रोटीन होता है, दाल हो गई और जितनी भी हमारी वेजीज हो गई उसमें होता है, वैसे इटालियन फूड में भी उतना ही होता है। स्टार्ट हुआ था जब ये पिज़्ज़ा की स्टार्ट हुई थी 1889 में, तो जब पहला पिज़्ज़ा बनाता था ऐसा सा बना था कुछ, ठीक है। इसके बनने के बाद ये पिज़्ज़ा सबसे पहले सर्व होता क्वीन को, इटालियन क्वीन को, तो उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर चीज़ डाला, एक दो तरह के बने, उसके ऊपर चीज़ डाल के एक बेसिल का पत्ता रख के, जिसको अगर हम देखें ध्यान से तो इटालियन फ्लैग बन गया है, ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन, ऐसे सर्व हुआ था। तो इसलिए इटालियंस आज भी यही पिज़्ज़ा सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट वो आज थोड़े से जो प्रोटीन्स मार्केट में चाहिए, हमारे बॉडीज में चाहिए, सबको हमारे प्रोटीन न्यूट्रिशन पूरा चाहिए, उसके लिए हम इसके अंदर वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे, जो बॉडी के लिए हमारी बहुत अच्छी हो जाएंगी। सर, ये पैन क्रस्ट नहीं है, वुड फायर्ड हैंड टॉस्ट पिज्ज़ाज हैं। पैन पिज्ज़ाज होते हैं, अलग होते हैं, ये वुड फायर्ड में हम अंदर बनाएंगे। इसके लिए हम वुड भी बहुत हाई क्वालिटी यूज़ करेंगे, फ्लोर भी बहुत हाई क्वालिटी का यूज़ करेंगे, इवन चीज़ ऑल ऑर्गेनिक पूरा। एंड साथ में ये हमारा जो इसमें सबसे ज़्यादा हमारी स्पेशलिटी ये है कि हमारा काफ़ी हाई हीट पे बनता है। तो हाई हीट पे बनने से क्या होता है, आपके कोई भी पार्टिकल्स जो ऐसे हैं कि जो हम कहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है या हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, वो अपने आप ही बर्न हो जाते हैं। तो आपके पार्टिकल्स आपको अफेक्ट नहीं करेंगे आपकी हेल्थ को। सर, हाँ, अगर अब वर्किंग आवर्स में हमें इसको ऑन करके रखना पड़ता है फुल डे। हाँ जी, वो इसमें सारे दिन आपकी डलेगी डलेगी। हाँ जी, तो आपको इसमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। हाँ जी, इसके अलावा सर, हम जैसे कि ब्रेक ओवन यूज़ कर रहे हैं, सो ये ब्रेक ओवन इंडिया में बहुत ही कम जगह पे अभी तक यूज़ हुआ है, जो आई थिंक अभी देखे नहीं होंगे कि जो ब्रेक ओवन जो नेपोलिटन पिज़्ज़ाज हैं, सो इस तरीके का है। ठीक है, बिल्कुल सर, बेल्ट के ओवन से कभी नहीं मिल सकता। थैंक यू।